फाइनली हम लोग बारिश में फंस चुके हैं और इतना बारिश हो रहा है फिर भी इतना गर्मी है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगा। तो गाइस बारिश की वजह से क्या हाल है हमारे इस प्लैनेट का वो आप लोग को दिख रहा है, और आज भी क्यों हम लोग को फाइनली इस प्लैनेट जाना पड़ा वो भी आप लोग को बताएंगे, और आज का दिन मेरे लिए क्यों हैक्टिक वाला दिन था, स्ट्रीट लेदर्स में इतना भीड़ भी था, और फाइनली हम लोग क्या खरीदने के लिए फिर से हम लोग गए थे पार्क स्ट्रीट और कुछ एक्सचेंज करना भी था हम लोग को इसीलिए भी गए थे, तो सारा व्लॉग देखो। फिर हम लोग जूडियो गए, जूडियो में लड़कियों का कलेक्शन फिर लड़कों का कलेक्शन सारा देखे, बहुत सारा न्यू चीज़ें आया था जो मुझे क्वाइट गुड लग रहा था, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक वॉच करो। जूडियो में गाइस कुछ न्यू दुर्गा पूजा कलेक्शन आया है वो भी जानने के लिए पूरा व्लॉग में बने रहो। कि दुर्गा पूजा का शॉपिंग क्या आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? अगर हो गया है तो जरूर मुझे कॉमेंट में बताना। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक वाला दिन था, तो आप लोगों से नहीं शेयर करेंगे कैसे हो सकता है, तो पूरा व्लॉग में हमारे साथ बने रहो गाइस, क्योंकि आज आप लोगों की जिंदगी में ऐसा दिन जरूर एक ना एक दिन होता ही होगा। और इधर जब हम लोग घर से निकल रहे थे तब भाई पर्दा वर्दा लगाया इसलिए हम लोग को मुझे सारा थामा दिया था, फाइनली ताला वाला लगा के हम लोग आ गए थे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से उतर के देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, फाइनली फिर भी हम लोग मार्केट में जब एंटर कर गए ना गाइस उसके बाद शुरू हुआ असली वाला बारिश, मतलब इतना जोर से बारिश आने लगा कि हम लोग को फाइनली रुकना ही पड़ा। और मेनली गाइस क्या बताए, आज ना हम कोई भी टचअप नहीं किए थे, टचअप मीन्स क्या था, हम बस सनस्क्रीन अप्लाई किए थे और लिपस्टिक, और आप लोग देख पा रहे हो इतना जोर से बारिश हो रहा था ना। शॉपिंग करने निकले और इतना जोर से बारिश आ जाना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मेरा भाई इतने गुस्से में सबको गुस्सा आ रहा था और उसको गाना सूझ रहा था क्या बताए, और मेरा फेस देख पा रहे हो, और भाई अभी भी मतलब पूरा तो मस्त मगन है कि वाह क्या प्यारा है, और इधर हम लोग का मतलब पैर वगैरह भी भीग रहा था, तो हम लोग थोड़ा छतरी से प्रोटेक्शन का कोशिश कर रहे थे जिससे मेरा पैंट ना भीगे जीन्स पर, क्या कर सकते हो भी फिर भी रहा था, और बहुत जोर से बारिश आ रहा था, और पूरा मार्केट का हाल देख पा रहे हो, जहाँ हम लोग खड़े थे उधर से भी पानी टपक रहा था उस टाइम, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था। फाइनली हम लोग बारिश में फंस चुके हैं और जितना जोर से बारिश हो रहा है उससे भी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग मेरे फेस देख के पता चल ही सकता है आप लोगों को कितना ज़्यादा गर्मी है इधर, मतलब इतना बारिश हो रहा है फिर भी इतना गर्मी है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगा, क्योंकि हम लोग इधर किसी और के दुकान के अंदर ऐसे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम से आए हैं, भाई का मतलब जो जींस का पैंट हम लिए थे और मेरा जो ड्रेस था वो सब थोड़ा मतलब छोटा, मतलब मेरा वाला ठीक है बट थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो सोचे कि यार एक दो बार पहन पाएंगे और नहीं पहन पाएंगे वैसा लेके क्या फ़ायदा है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं, और उनका डिमांड ये है कि सैटरडे संडे का छोड़ के किसी भी दिन आप लोग आ सकते हो तो एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसीलिए आज मेरा कॉलेज में बस एक ही क्लास था तो हम सोचे कि चलो आज कॉलेज नहीं जाएंगे, आज यही वाला काम निपटाते हैं, और आज भाई भी घर पे था तो इधर फाइनली तो हम लोग फंस चुके हैं। थैंक गॉड कि मेट्रो से निकल के इधर एक शेल्टर मिल गया था जहाँ आने के बाद बारिश स्टार्ट हुआ, तो ये अच्छी वाली बात थी, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं कितना टाइम ही बारिश रुकता है। फाइनली आधा घंटे से भी ज़्यादा बारिश में जूझने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत बारिश पड़ रहा था इसलिए देख पा रहे हो सारे दुकान में कपड़ा उपड़ा टांग दिया गया था, तो फाइनली हम लोग डिसाइड किए कितना टाइम ऐसे बारिश में भीगेंगे, तो चलो थोड़ा बहुत स्ट्रीट लेदर्स का कलेक्शन देखते हैं, क्योंकि पूजा में स्ट्रीट लेदर्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा सही होता है ना, तो फिर फाइनली इधर आके वही हुआ, इतना सारा कलेक्शन लड़कों का लड़कियों का कि आंख नहीं हट रहा था, तो भाई के सेक्शन का ही थोड़ा बहुत हम क्लिपिंग्स लिए थे, उसके बाद मना किया गया कि वीडियो वगैरह मत लो इसीलिए हम लोग मतलब और छोड़ दिए, पर इतना भीड़ था ना गाइस कि क्या बताएं, और कलेक्शन बहुत प्यारा था, मन कर रहा था ले पर बजट तब कुछ कम था, तो सोचे कि जिस काम के लिए आए पहले वो वाला करते फिर ये वाला देखेंगे, तो इधर ना हम कुछ जूती ट्राई कर रहे थे तो उधर का ही क्लिप थोड़ा बहुत लिया गया, और देख पा रहे सब लोग हमको ही ताक रहे हैं जैसे कि क्या हम लोग कर रहे हैं भाई, तो फिर चलो ये वाला जूती मुझे अच्छा लग रहा था, और दूसरा तीन चार भी हम ट्राई किए, तो मतलब कलेक्शन बहुत प्यारा था, और इतना ज़्यादा भीड़ सा लगता है जैसे कि आज ही दुर्गा पूजा है, और ज़्यादातर आज भीड़ इसीलिए भी हो गया था, सीरियस में वैसे भी भीड़ रहता है पर इसीलिए और ज़्यादा भीड़ हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था, बहुत लोग हम लोगों के जैसे भी थे जो लोग इधर आ गए थे। फाइनली वाला जूती हम देख रहे थे, बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था मुझे, 350 में प्राइस था ये भी है, दोनों देख रहे थे। फाइनली हम ना पहली बार देखे स्ट्रीट लेदर्स में ये सब भी मिलता है, मुझे लगता था सिर्फ जूती वगैरह ही मिलता है, पर इधर देखे जूती से बढ़ के बहुत सारे चीज़ मिलता है, जैसे कि सॉक्स मिलता है, फिर साथ में इधर ट्रॉली वगैरह सारा है, तो बहुत सारा चीज़ देख के हम कपड़े भी देखे यार लेदर का बना हुआ, तो हम पूरा हैरान हो गए थे। और फाइनली इधर हम लोग थोड़ा भाई के लिए कुछ और शॉपिंग कर रहे थे, तो इधर मेट्रो से उतर गए थे कालीघाट स्टेशन में, और देखो
जैसे कि दुर्गा पूजा वाला भीड़ हमको अभी से ही लग रहा था। तो थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स लेने के बाद फाइनली बाहर हम लोग आ गए थे। तो इधर से हम लोग जा रहे थे, उधर का तो जो काम था सारा निपटा लिए, और इधर देख पा रहे हो हम लोग जूडियो जा रहे थे। तो मेरा भाई फर्स्ट टाइम जूडियो विजिट किया, उसको तो पता भी नहीं था कि लेक मॉल में है। मुझे लगा कि भाई को पता होगा कि जूडियो कहाँ है, पर जब हम उधर जाके पहुंचे तो भाई वाला कि हाँ लेक मॉल में जूडियो है, तो वो मतलब जैसे लिटरली हैरान हो गया। और उसकी बातें सुन के तो मैं भी हैरान हो गई कि इसको जूडियो कहाँ है ये भी नहीं पता यार। तो फिर चले कोई बात नहीं, जूडियो में मेनली हम लोग आए थे जूती लेने के लिए, पर लास्ट तक क्या लिया वो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भाई को बोल रही थी 199 में भी क्लास मतलब कलेक्शन है, और उसके अलावा भी तुमको 999 में भी कलेक्शन मिलेगा। तो तुमको क्या लेना है ले लो, एकदम लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस में बहुत कुछ मिलेगा। पर मेरा भाई को वो वाला जो जूती पसंद आ गया ना, हम उसको साइड में दे देंगे, आप लोगों को दिखा देंगे वो वाला जूती। जब उसको पसंद आ गया, उसको और कोई पसंद नहीं आ रहा था, हम उसको एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया जूती दिखाए, शूज दिखाए, स्निकर्स दिखाए, पर उसको कुछ नहीं पसंद आ रहा। उसका बस मन उधर ही पड़ा हुआ था, वो देख तो रहा था सारा जूती पर उसका मन उधर ही पड़ा है। पर उतना महंगा जूती हम लोग नहीं खरीद सकते, हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी उसको पता था। तो भी फाइनली इधर हम थोड़ा बहुत खुद का क्लिप ले रहे थे, और मेरे भाई को देख पा रहे हो लग रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट है। और गाइस फर्स्ट टाइम जूडियो में ये वाला हम कलेक्शन देखे, लिप स्क्रबर साथ में इधर लिप बम और लिपस्टिक एक साथ में 199 में, तो बहुत ज़्यादा सही लगा। और इधर ये वाला भी न्यू आया था गाइज, हम ट्राई करके आप लोगों को कलर बता रहे थे इसका कि जैसा दिखा रहा है वैसा है कि नहीं, पूरा वैसा था, लिप ग्लॉस था गाइज कितने सारे कलर में अवेलेबल, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था कलर्स वगैरह। और गाइज पता है ओनली ये 99 में था, 100 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा था, सोचिए तो बहुत सही लग रहा था। पर गाइज अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है, हम आप लोगों को दिखा ही सकते हैं, पर हम खुद मतलब सोचे भी थे कि हम ले, पर हम सोच रहे जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो हम कर नहीं रहे, मतलब बेकार काम करके कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो किसी और दिन सही हम जरूर खरीद लेंगे। अभी अफसोस तो होता है थोड़ा बहुत। और देख पा रहे हो और 3 कलर था जो हम ट्राई नहीं किए थे, वो भी आप लोगों को हम दिखा रहे थे जो न्यूट कलर में अवेलेबल था। इधर हम कुछ मेरे जूती वगैरह देखने के लिए आ गए थे, जो सब मुझे पसंद आ रहा था ना गाइस वो सारा ही 899 नहीं तो 999 में अवेलेबल था। तो पर उतना हाई प्राइस में हम अभी जूती एफर्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए हम छोड़ दिए। बहुत कम प्राइस ही था पर फिर भी मतलब हम एफर्ट नहीं कर सकते, तो हम सोचे कि चलो कोई नहीं कलेक्शन देख के जाते हैं और देखेंगे। और ये फ्लोरल पेंट वाला ना मुझे पहली बार दिखा, ये वाला जूती तो मुझे क्वाइट गुड लगा, तो वो भी आप लोगों को दिखाई। और 2 कलर में भी अवेलेबल था, एक ब्लू था और एक ऑकर येल्लो में था अवेलेबल, तो अच्छा लग रहा था। हम बोल रहे थे कि अगर होता ना 400 के अंदर तो हम ले लेते, पर ये 799 में अवेलेबल था, हम नहीं ले पाए। तो क्या हुआ गाइस, अगर आप लोग एफर्ट कर पाए तो ज़रूर जूडियो में जाओ और देखो जूडियो का। एक बात मुझे थोड़ा बहुत अपसेट भी करती है और अच्छा भी लगता है कि ना उधर मतलब जो कलेक्शन आप लोग देखो कि आज 2 दिन बाद वो वाला कलेक्शन देखने जाओगे तो मिलेगा नहीं, और न्यू चीज़ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए अफसोस भी करते हैं कहीं ना कहीं, और थोड़ा बहुत मतलब सही भी लगता है कि चलो ये तो सही है। तो फिर ये वाला मार्केटिंग करने का जो आइडिया है ना जूडियो का, तो बहुत सही है। ये वाला जो कम्फी वाला जूती होता है ना, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो और ये भी ना 300 के अंदर अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। पर हम सोचे कि नहीं अभी नहीं, किसी और दिन लेंगे। तो पहन के साइज़ भी देख लिया और फाइनली हम जूडियो से खुद ही निकल कर, आसमान तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पर बारिश भी हुआ था ये मुझे पता चल गया। तो गाइज अभी मैं घर अकेले जा रही हूँ क्योंकि ना जूडियो में ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने अपने भाई को कहा कि तुम खुद एक काम करो, तो बस एक ही चीज़ लेना है, नेल पॉलिश हम लिए और उतना भी फिलहाल बजट नहीं है, तो तुम वो लेके आओ मुझे पराना है, तो हम आ रहे हैं। तो फिर हम इसीलिए चल जा रहे हैं घर। अभी बेचारे को लाइन में खड़ा करवा के मुझे ऐसे अकेले जाना पड़ रहा है घर, क्या कर सकते। आज ही मतलब मेरा छुट्टी है, भाई का भी है, तो आज ही मुझे सारा कंप्लीट करना है क्योंकि कल परसों मेरा 2 दिन ही ट्यूशन है कहीं और, तो इसीलिए जो करना पड़ेगा मुझे आज ही। तो इधर थोड़ा बहुत लो लाइट है तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर दो। तो बेचारा का बहुत काम हो गया आज और मेरा भी, क्योंकि पहले पार्क स्ट्रीट जाना, बारिश में इतना टाइम अटक गया था ना कि क्या बताएं, और फिर उसके बाद उधर से मेट्रो पकड़ के आना, फिर जूडियो आना, और फिर जूडियो में भी कितना टाइम चल गया, और फिर इतना भी बिल काउंटर पर लाइन है कि क्या बताएं। तो यही सब है, क्या करें, यही ज़िंदगी। अभी ऊपर से मुझे स्पेंसर भी जाना है, नहीं तो हम और इस हफ्ते में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो क्या कर सकते, चलिए अभी जाके पढ़ाते हैं उनको और फिर देखते हैं क्या होगा। फाइनली घर आ गई हूँ और अभी पढ़ाना है मुझे, मामून तो आ गई है और अभी आबिर का आना बाकी है थोड़ा टाइम, तो फिर चलो फाइनली तब तक पढ़ा लेते हैं मामून को, और फिर आबिर आ जाएगा तो फिर उसको भी पढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर निकलना है मुझे। आज बहुत हैक्टिक वाला दिन गया यार मेरे लिए, अभी भी जाने वाला है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर चलो।
भाई का हालत पूरा खराब हो गया भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हैप्टिक वाला दिन गया है, और हम क्या बताएं आप लोगों को मुझे नहीं पता। हम बहुत मतलब फाइनली हम घर से निकले थे तब 2:20 के आसपास होगा, और अभी तक फ्री नहीं हुए हैं। अभी 7:30 बज रहा है, ठीक है, अभी तक भी हम फ्री नहीं हुए। पढ़ा के छोड़े बस बच्चों को, अभी भी मुझे जाना है थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हल्का फुल्का, क्योंकि 2-4 दिन बाद हमारे घर में कुछ पूजा है, तो उसी लिए मेनली कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हमको जाना है। तो मेरे साथ मेरा भाई भी चलेगा, पर हम इतना टायर्ड है ना, मुझे सच्ची में अभी फील हो रहा है कि मतलब हमको कोई सोने देगा तो हम पूरा सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे पूरा। खाना वाना कुछ भी नहीं खाएंगे, बस हमको सोने के लिए दे दो। पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज नहीं करेंगे ना, फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुन रहे हैं कि परसों ना कॉलेज में एक प्रोग्राम भी होने वाला है, ऊपर से कल भी मुझे कॉलेज अटेंड करना है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, और फिर बच्चों को पढ़ाना है, कल मुझे ट्यूशन जाना है, तो बहुत सारा काम है। तो कल परसों हम बिल्कुल फ्री नहीं होंगे, वही शनिवार रविवार फिर घर में पूजा है, तो और भी नहीं फ्री होंगे। घर में बहुत सारे लोग आएंगे, लोग मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स सब आने वाले हैं, तो एक्साइटेड है। क्या पूजा है सारा आप लोगों को बताएंगे, कब है, आई थिंक शनिवार रविवार को ही है, पता नहीं, हाँ शनिवार रविवार को ही है, पता नहीं है, हाँ तो हाँ उस दिन ही है। तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सब कुछ है। तो फिर चलिए आज कल लोग इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक निकलेंगे ना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तब तक मतलब लेट हो जाएगा, वीडियो पोस्ट भी नहीं होगा, आज का ब्लॉग नहीं आएगा, कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, और वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे कि इस वाला वीडियो को यहीं पे हम एंड कर देते हैं, और कल वाला मतलब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे वो वाला ब्लॉग, तब आप लोगों को दिखा देंगे। तो फिर चलिए, और क्या, आप लोग पूरा वॉच करो लास्ट तक वीडियो को, और लाइक कर दो, कमेंट करो ज़रूर। और आप लोगों के पास भी कभी ऐसा कुछ हैक्टिक वाला दिन होता है, कॉलेज जाओ, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर साथ में मतलब शॉपिंग करने जाना, इतना सारा काम ऐसा अब होता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और कुछ कमेंट करो या ना करो गाइस, आप लोग मुझे ये वाला कमेंट ज़रूर करना कि दुर्गा पूजा का शॉपिंग क्या आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। अगर हो गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि हाँ दीदी मेरा पूजा का शॉपिंग स्टार्ट हो गया है। तो फिर चलिए गाइस, आज का ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। तो चलो टाटा बाय बाय, कल के ब्लॉग के लिए वॉच करो पूरा वीडियो तक, और कल भी आप लोग पूरा वीडियो देखो। और गाइस एक बात आप लोगों से हम थोड़ा बहुत माफी मांग लेते हैं, क्योंकि हम परसों आप लोगों को बोले थे ब्लॉग में कि आने वाला है कल के ब्लॉग में जो है अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग, क्या क्या हम खरीदे हैं वो सारा दिखाने का, पर आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का। पर हम आज ना हो कल तो पक्का आप लोगों का वो वाला ब्लॉग आएगा, मतलब इस हफ्ते के अंदर ही वो वाला ब्लॉग आने वाला है, क्या क्या हम खरीदे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए इस बात को लेके, है ना। तो फिर चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।